राधे राधे, आज मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य की चौथी कथा। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। पर जब वह मछली तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनिवरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने बीज मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उस बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो और साथ ही यह समय भी महापुण्यमय, महाघाती और महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान पर दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं तुमने जो कहा है वह मुझे स्वीकार है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यहाँ तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय वहाँ स्नान करने से मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। हे प्रभु, जो भी कोई आपकी यह कथा सुन रहा हो उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी यह मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसे शेयर करना ताकि यह ज्यादा से ज्यादा बहनों तक पहुंचे। और अगर आपको कार्तिक महात्म्य की और कथा